हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पे 5500 वैकेंसीज इस बार फिर से रिक्रूटमेंट के अपडेट पब्लिश हुआ है। आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है, जिसमें आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 में जो अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे 10th एंड 12th पास करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसका सैलरी आपको 23,000 से शुरू होने वाला है। एंड इसका लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि 28th ऑफ फेबर 2024। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियली इस बार की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया गया है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि पब्लिश हुआ है 29th ऑफ जनवरी 2024 में। एंड जिसका लास्ट डेट दिया गया है 28th ऑफ फेबर 2024 तक, जहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा पोस्ट इस बार निकल के आया है, जहाँ पे अप्रेंटाइज के रिक्रूटमेंट के अपडेट किया गया है, जिसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैटेगरी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इस बार की जो रिक्रूटमेंट है वो रेलवे की तरफ से पब्लिश हुआ है। साउदर्न रेलवे की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो क्या कौन कौन सी जो अप्रेंटाइज की पोस्ट है उनमें एप्लीकेशन कर सकते हो। फिटर के लिए 20 पोस्ट है, फिटर वेल्डर के लिए 83 पोस्ट, जो कि वागन वर्कशॉप पेरामपुर में जो है इसका रिक्रूट किया जाएगा। रेलवे हॉस्पिटल में, जो कि रिक्रूटमेंट के लिए मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी के लिए 20 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हर कोई कैंडिडेट के लिए अलग अलग से वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कर वर्कशॉप पोडानूर कंप्यूटर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है, जहाँ पे 95 वैकेंसीज है, यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज है, इसीलिए मैंने आपके साथ पूरा तो नहीं शेयर कर सकता हूँ, तो इसीलिए यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड यू कैन चेक आउट वेरी केयरफुली। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम के अंदर जो डिवीज़न के अंदर 280 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया गया है। पालक्कड डिवीज़न के लिए 135 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सालेम डिवीज़न के लिए यहाँ पे 294। इसके अलावा पेरामपुर के लिए 333, लोको वर्क्स के लिए 135। इस तरह से आप लोग देखोगे तो बहुत सारे जो है वर्कशॉप एंड डिवीज़न वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो आप लोग उनके लिए एप्लीकेशन कर सकते, एलिजिबल हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिफ़िकेशन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वह 10th पास विद आईटीआई। अगर आप 10th पास है प्लस आईटीआई पास है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जो लोग फ्रेशर है 10th और 12th पर, उनके लिए 50% मार्क्स भी होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ये जो है 1 ईयर की ट्रेनिंग है, आपको 1 ईयर में कंप्लीट करना होगा आपका ट्रेनिंग, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ आपको जॉब भी मिल सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा, और apprenticeshipindia.org में जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।